हल्द्वानी जिले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाली स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी और पुण्यतिथि पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनको याद करते हुए श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में पहुंचे नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में अपना अमूल्य योगदान देने वाले नारायण दत्त तिवारी द्वारा किए गए विकास कार्यों को सदैव याद किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक दीपक बल्लूटिया, हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश समेत कई पार्टियों के नेताओं ने उन्हें याद किया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बहुत कुछ मैंने उनसे सीखने का प्रयास किया। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी जबान में हमेशा विकास गूंजता रहता था। वो व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहते थे कि पुनराज जी, आप क्षेत्रों में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, वहां पर कोई भी ऐसी समस्या जो लोग वहां के विकास की रखते हैं। स्वर्गीय पंडित नारायण तिवारी की आज जयंती एवं पुण्यतिथि का यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें सभी प्रतिनिधि और आम जन पार्टी विचारधारा को छोड़ते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। वो एक महान पुरुष थे, एक विकास पुरुष थे, सर्वमान्य थे और स्वीकार्य थे। और मैं जहाँ तक मैंने देखा है अपनी अल्पायु की राजनीति में, देखिए स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी जो सर्वमान्य नेता रहे, दलगत राजनीति से ऊपर उन्होंने विकास को ही तरजीह दी। और आज उनको जो उनकी पुण्यतिथि और उनकी जयंती पर सभी आपने देखा होगा विभिन्न दलों से, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो उत्तराखंड क्रांति दल हो, चाहे आपके समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सब तिवारी जी का जो व्यक्तित्व था वो किसी दूसरे से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। विकास के वो पर्यायवाची थे, उत्तराखंड नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी भारतवर्ष में माननीय नरेंद्र तिवारी जी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था 1924 में, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ और आज ही के दिन उनकी मृत्यु हुई, ये एक अच्छा इत्तेफाक है। लेकिन तिवारी जी 19 साल की उम्र में 1942 में जेल गए और उनको इस बात पे जेल भेजा गया कि वो स्थिति थी और जो तिवारी जी के कार्य थे, केवल उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नहीं, देश नहीं, विदेशों तक उन्होंने जो अपने देश का गौरव बढ़ाया, अपने क्षेत्र का गौरव बढ़ाया, आज वाक्य में उनको हम सब नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। और पदमपुरी में जब वो पढ़ते थे, आप सोचिए, अखबार पढ़ने के लिए पैदल नैनीताल हर दिन जाते थे।